राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं मुंह से मेरे कितनी भाप निकल रही है, और मेरे पीछे देखिए कितना कोहरा है और ठंड एकदम चरम सीमा पे है। और सुबह के 9:45 बजने वाले हैं, है ना। और आज 14 तारीख है, 14 जनवरी, और कल लोहड़ी थी, ठीक है ना। और आप देख रहे हैं मेरी शक्ल, आज संडे है। अभी इसको डेंटिंग पेंटिंग करूँगा, मैं शेप भी करूँगा, और मैं जा रहा हूँ स्नान करने। और गुड़िया रसोई में है ना, तो आज वो बड़े बड़े बनाएगी, क्योंकि कल है खिचड़ी, है ना। और कबीर हम तीनों लोग उठ चुके हैं, और ठंड एकदम चरम सीमा पे। देखिए मैंने शॉल भी ले रखी है। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। एंड सुबह हो गई है, आज बहुत कोहरा है, और आज बुआ आने वाली है हमारी, और कल वो है मकर संक्रांति, तो आज संडे है, पापा की छुट्टी है, तो देखते हैं। और तबीयत कैसी है बब इनके? 3 दिन का डोज तो 3 दिन का इन्होंने एंटीबायोटिक कोर्स कर लिया है, और अब फिट हैं ये एकदम, ठीक है ना। और आइए चलते हैं अब धीमे धीमे रसोई में, देखते हैं हमारी श्रीमती क्या कर रही हैं, और उनसे भी वार्तालाप करवाते हैं आपको। और ये पकड़ा गया श्री। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आज सुबह की शुरुआत हो गई है, मतलब दिन शुरू हो गया है, और सुबह की शुरुआत के संग मेरी भी शुरुआत हो गई काम की। तो कल है जैसे मकर संक्रांति, कल है खिचड़ी, तो उसकी तैयारी आज ही कर रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ दही बड़े बनते हैं, तो मैं बड़े बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये दही का इन्होंने एक घोल बना लिया है, है ना। और ये हरी उड़द की दाल को इन्होंने पीस लिया है, और उसमें सारे जो मसाले हैं ना, ये दही में जीरा भून के डालेंगे, और ये उसका पेस्ट बना रहे हैं कि बड़े बन जाए, है ना। उसका पूरा मटेरियल तैयार कर रही हैं। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन और हरी मिर्च पीस के थोड़ा सा दाल अलग की है, ये कचौड़ी के लिए, ओके, जो भी नाश्ते में बनाऊंगी। आपके यहाँ फ्रेंड्स खिचड़ी वाले दिन क्या क्या बनता है बताइएगा? हमारे यहाँ तो बड़े और थोड़ी सी मिर्चा भरी जाती है, और दही बड़े बनते हैं, और तिल के लड्डू भी बनाए जाएंगे, उसको खाने के बाद फिर हम लोग खिचड़ी करते हैं। तो आपके यहाँ फ्रेंड्स क्या क्या बनता है बताइए आप खिचड़ी वाले दिन, है ना। और वैसे तो गंगा स्नान भी होता है, अगर यहाँ से हमारे घर से कानपुर कम से कम 80 किलोमीटर होगा। हाँ, ये अप्रोक्सीमेटली घाट जो होगा 100, मतलब 100 के अंदर ही होगा, 90 और 100 के बीच में। वहाँ तो जाना नहीं हो पाएगा, तो घर में ही हम लोग बाल्टी में पानी डाल लेंगे, गंगा जल का डाल के उसपे स्नान कर लेंगे, और चाय पानी हमारा हो गया है ना, और चाय बस हुई है हमारी अभी, तो अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ। आज संडे है, आज ये भी आराम से उठे, मगर आज पता नहीं मेरी अपने आप 6 बजे आग खुल गई, और इसने बहुत तंग किया दोस्तों, सोने नहीं दिया मुझे, उठा दिया। मैंने कहा अब मैं उठ गई, मुझे नींद नहीं आ रही, कोई उठे बातें करे। मैं जा रहा हूँ नहाने, पहले शेव करूंगा, फिर नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर मिलता हूँ। धीरे धीरे तैयारी करती हूँ ना, आज कोहरा बहुत है, आज दिखाया मैंने अभी, आज बहुत ठंडा हुआ। जब मैं 6 बजे उठी थी एकदम अंधेरा था, एकदम जैसे पूरा कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे, एकदम धुंधला धुंधला। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं भी जल्दी से बना लेती, फ्री हो जाऊंगी ना, वरना ये रहेगा मुझे शाम तक दिमाग नहीं रहेगा, बनाना है, तो बना के इसको हटाते, मतलब बना के खत्म करते इसको, है ना। तो चलिए अभी ये भी नहा लेते हैं, और ये सब मैं कर लेती हूँ, बड़े बन जाते, फिर दिखाते आपको। तो दोस्तों, मेरा स्नान हो चुका है, और मैंने पूजा भी कर ली है, और नहाने धोने के बाद मैं ब्लोअर के आगे बैठा हूँ। अभी ब्लोअर को बंद कर रखा है, वरना बहुत आवाज़ होती है। और गुड़िया ने जो मेरे लिए बड़े बनाए थे, बड़े और ये मंगौड़ी लेके आई है, मैं उसका गर्म आनंद ले रहा हूँ। कबीर तो खा चुके हैं, और कबीर नहीं नहाएंगे आज, कल स्नान करेंगे, है ना। और शायद कचौड़ी बना रही है दाल की, तो अभी हम दाल की कचौड़ी और चाय का भी आनंद लेंगे। और अभी संडे है, तो अभी जाऊंगा, एक सिस्टर रहती है उसके यहाँ, थोड़ा मिलने उससे, चाची ने थोड़ा काम बोला है, तो वो काम निपटा के फिर मैं मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोपहर के देखिए बज रहे हैं 1:30, और जहाँ मैं छत पे हूँ उस समय, और धूप खा रहा हूँ नाश्ता करने के बाद। भगवान ने दया कर दी, हम धूप निकल आए हैं,
इधर की गुड़िया बैठी है। सूर्य भगवान निकल आए, भगवान ने दया कर दी है। अंदर अंदर ठुटरे हुए हम लोग बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा हम लेडीज़ को ये होता है फ्रेंड्स कि बर्तन मांजो, बार बार नल के नीचे हाथ डालना, तो टंकी का पानी होता है बहुत ठंडा लगता है। और सब काम तो कर लो, तो इसलिए बहुत ठंडा लग रहा है। और धूप में मैं बैठी हूँ, अभी नहा के आई हूँ। इसके लिए दाल बिन के रख ले रही, क्योंकि फिर बना न... तो ये सारी दाल करोगी? हाँ, बिन के रख लेंगे। ओके, बिन के रख लेंगे। और बड़े अरे सब बन रहे हैं, अभी दिन के खाने का पता नहीं है। हम लोग छत पे हैं और रीना आ चुकी हैं नीचे हैरी मन्नू के साथ। कबीर से डिस्कशन चल रहा है, मैं वो आवाज़ लगा रहा कि बुआ ही है, बट हम दूर में बैठ जाना तो मन नहीं होता नीचे जाने का। दोस्तों बताइएगा कौन सी दाल है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप सभी जानते होंगे, और देखते हैं कौन कौन बता सकता है। ये वाली दाल फ्रेंड यूपी में ज़्यादा खाई जाती है। हाँ, तो जो भी हमारे इस ब्लॉग को देख रहे हों तो कॉमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों। ग्रीन कलर की है। डीएम के पास अभी फ्रेंड्स हम लोगों को जाना है। कहाँ? डीएम के पास जाना है ना। डीएम मतलब दीपमाला के यहाँ जाना है। खिचड़ी में त्योहारी दी जाती है ना, तो चाची का फोन आया था, त्योहारी भेजना है। उन्होंने पैसे भेज दिए थे, तो वही त्योहारी देने जाना, बस दे के आ जाना है। और मुझे कल से कबीर का ना फ्रेंड स्कूल खुल रहा है, और वह कहते हैं नहीं स्कूल तो खुला रहता है, कावत नहीं सर मुलाते उड़े पढ़ना मुड़ाते। और कल का टेस्ट भी है उसके। स्कूल खुलते ही जाइए, पहले टेस्ट दीजिए आप, परीक्षा। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि खिचड़ी पे कबीर की छुट्टी नहीं हो रही है। मगर अभी ये मतलब कंफ्यूजन है, अभी शाम तक रिजल्ट आएंगे कि कंफर्म है कि न्यूज या नहीं। देखिए फ्रेंड्स मैचिंग, जैसे कुर्ता है सेम वैसी लिपस्टिक मैचिंग लगा के आई है। और कबीर बना रहे हैं नीचे चाय। बैठ जाओ, और ये खाने जा रहे हैं मेरे ख्याल से। ये पहले हमारे प्रभु को भोग लगेगा, फिर हम खाएंगे। ये तो मुझे भी बहुत पसंद है, ये प्रभु है छोटा। आओ प्रभु इधर बैठो, ये मुझे भी पसंद है। तो यही मेरा आज प्रभु ऐसे ही को भोग लगा देते हैं दोस्तों। और कबीर बना रहे हैं चाय। मैं देखा हुआ। हाँ, कबीर और मन्नू चाय बना रहे हैं, ऊपर अभी चाय लेके आएंगे। दोस्तों ये देखिए कबीर ले आए हैं गर्मा गर्म चाय, और नमस्ते हो रही है, राधे राधे, हरे कृष्णा। और ये पकौड़े, कुछ पकौड़े लाई हैं। किसके लिए लाई हैं? मेरे लिए लाई हैं। ये दोनों खाएंगे। अरे बाबू, क्या हुआ? कबीर बिस्किट लाया है, इसमें भर के लाया ही नहीं, खा ली ले। वेरी गुड, वाह, माचो मैन, माचो। बिस्कुट पहन के नाचो। दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 3, और गुड़िया उसी समय नीचे आ गई थी क्योंकि रीना आई थी, तो उसके लिए और कबीर के लिए खाना बनाना था। तो दाल चावल बना दिया है गुड़िया ने, है ना। बच्चे खाना खाने जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे दीपमाला के लिए थोड़ी देर के बाद। और ये देखिए खाने के लिए अखबार लग गया है, कबीर भी तैयारी करा रहे हैं, मन्नू भी। दोस्तों ये देखिए गर्मा गर्म दाल चावल आ चुका है ये मेरा। इधर कबीर खा रहे हैं, तन्मय से कह रहे हैं कि खा लो, मगर मना कर रहे हैं। रोटी नहीं खाएंगे बेटा, बस मैं खा चुका। मन्नू रोटी लाई है, बड़ा एक ले लूंगा, दही बड़ा, ठीक है। देखिए दही बड़े में सूखे हम लोगों ने सुबह खाए थे, एक उसी का मैं हाफ लूंगा। दोस्तों मेरा तो खाना हो चुका, मुझे लग रही है बड़ी जोरों की ठंड। मैं बैठा हूँ कोने में लेके शॉल, और बाकी इधर वार्तालाप चल रही है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए अब इसमें से अच्छा इतने लोग बैठे हैं। दोस्तों बताइए किसने नहाया है, सब लोग अपना अपना हाथ खड़ा करें जिसने नहाया है। ये वही है जिन्होंने नहीं नहाया। नहीं नहाया, यही मैं जानना चाह रहा था दोस्तों। मैंने नहाया है, मैंने नहाया है। हाँ, मैंने भी नहाया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने भी नहाया है कबीरा। यानी कि कबीर को छोड़ के किसी ने नहीं नहाया है? कबीर ने नहाया है, बाकी तुमने फिर आपने बिना नहाए पूजा कर लिया है। हम तो पूछी, हमने तो स्नान किया। आपने अभी कहा कि कबीर ने नहाया है, तुमने नहाया है? हाँ, हम लोग ने नहाया। ये ठंड तो में ये सब झूठ बोल रहे हैं, किसी ने नहाया है? कल नहाएंगे, कल मकर संक्रांति का दिन है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये मन्नू और ये जो हैरी आए तो प्रभु, इन्होंने तो कतई स्नान नहीं किया है। मैंने नहाया था, कल नहाया था। अच्छा एक और सवाल सबसे,
मेरे पापा जो थे भैया ना नहा तो बच्चे बहुत गुस्सा आते थे मेरे पापा का। एक और सवाल आप सबसे कि कल खिचड़ी सबसे पहले कौन खाएगा? मैं। हाँ छोटा प्रभु। और स्नान सबसे पहले कल कौन करेगा? मैं। कितने बजे? सुबह के रात को मैं 12 बजे ही नहा लूंगा सबसे पहले। गप, ये गप है, ये प्रभु जी गप मार रहे हैं इस समय। भाई देखिए पूनम जड़ा रही है। नहीं दोस्त, सर्वप्रथम कल मैं स्नान करूंगा सूरज उदय होने से पहले, और मैं नहा धो के उसके तत्पश्चात उसके बाद, और मैं गुड़िया से कह रहा हूँ तैयार हो जाइए जल्दी चलते हैं। डीएम क्या, डीएम क्या जाना है, छुट्टी का आदेश देने। मैं भी जा रहा हूँ। छोटा प्रभु आ गया है। निमाला हुआ। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग आ चुके कहाँ, फैमिली कॉल वाली सिस्टर के घर, है ना। और ये रहे हमारे जीजू, ये इधर बैठे आग सेक रहे, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इन्होंने आग जलाई है, आग अंगेठी बहुत ठंडी लग रही थी ना, बहुत बहुत। और तुरंत देखिए इंस्टेंट हमारे जीजू जी ने लगा दी है, अंगेठी बना दी है, बहुत बढ़िया प्यारी सी छोटी सी। और जीजू जी ने के घर में एक गाय माता है, तो उन्होंने देखिए उनके बछड़ा हुआ था और अच्छा खासा 2 से ज्यादा ही दूध है। और एक ये हैंड वॉश भी दिया है दोस्तों यूज करने के लिए, और मकर संक्रांति के पावन अवसर पे, तो हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं दोस्तों। और चाय पानी हो चुका है हम सबका, है ना। आज दीपमाला थोड़ी उदास है, आज थोड़ा इमोशंस में आ गई है। एक्चुअल में हमारी चाची की तबीयत ठीक है, अभी मेरी बात हुई है ठीक है, बीपी थोड़ा हाई है ना, तो इसका अब लड़कियों का होता है जब मायके से फोन आ जाए कि मम्मी या किसी की तबीयत नासाज है, तो जब तक देख ना लो तो। नहीं नहीं हमारी बात हुई अभी चाची से, स्वस्थ है। और मैं अभी जाऊंगा नेक्स्ट वीक कानपुर, तो मैं खुद मिल के भी आऊंगा और एक दिन रुकूंगा भी घर पे दोस्तों। जब भी मैं ट्रिप लगाऊंगा उधर की, तो मैं इस बार स्पेशली जाऊंगा ठीक है ना दोस्तों। तो अब बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि, है ना। और इनको आमंत्रण दिया है कल का खिचड़ी का, मगर देखते हैं जीजा जी बोल रहे हैं कि कल टाइम मिलेगा तो अदर आएंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट टाइम फिर का प्लान रखेंगे। तो चले फिर शाम को आज, हाँ आज भी आ सकते हैं, आज इनकी छुट्टी, हम कह रहे हैं आज शाम को आ जाइए, हम लोग घर निकल रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद का प्लान। तो भैया कह रहे हैं हम देखते हैं संडे को आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं फिर यहाँ से, मिलते हैं आपसे घर, हम लोग निकलते हैं क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है बाहर। हम लोग आ चुके थे सरजोनी में आज, मगर बड़ी ठंड थी। अभी मैंने टेम्परेचर देखा 12 डिग्री है कमरे का टेम्परेचर, तो बाहर आप मान के चलिए कम से कम एटलीस्ट 8 डिग्री होगा। तो मैंने पूजा भी कर ली है और आज नीचे ही खाना है भैया लोगों के साथ, क्योंकि वो शाम को आज खिचड़ी बनाएंगे और कल सुबह हम लोग बनाएंगे, क्यों हम लोग का खाना वही है। छोटी बहन भी आ रखी है और बड़े वाली दीदी भी आएंगी, और हम कभी जब तक चाय पी रहे हैं दोनों मिलके, मम्मी लेने गई हैं रसोई में उनकी, है ना। तो ठंड है हम लोग इसलिए रजाई में मिलते हैं, है ना दोस्तों। और कल से इनका स्कूल भी खुल जाएगा, कल जीके का टेस्ट भी है मेरे प्रभु का, नहीं चांसेस हैं पूरे, अब तो खुलना तो ही है क्योंकि अप्रोक्सीमेटली एक महीना होने वाला है ना, 23 तारीख से। हाँ, है ना, एक महीना होने वाला। तो दोस्तों बहुत है ना पढ़ाई का लॉस हो रहा है क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं हुआ और फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाले हैं इनके, है ना। अब 9th क्लास में भी जाएंगे, तो यही है दोस्तों। तो कल जाएंगे स्कूल, तो इन्होंने टेस्ट की प्रिपरेशन कर ली, जीके का कर लिया इन्होंने। और गुड़िया बना रही है रसोई में चाय, और मेरे लिए 2 गर्मा गर्म कचौड़ी हमारे और कबीर के लिए। और उसकी बहन का भी फ़ोन आ गया, सिस्टर का, अयोध्या से, जहाँ पे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठा है ना, तो अयोध्या में रहती है वो बड़ी इनकी सिस्टर अन्नू। और अभी चलेंगे हम लोग, अभी शादी है वहाँ पे एक, अभी डेट नहीं मुझे याद है कब है, बट जब भी जाएंगे तो हम वहाँ पे ब्लॉग भी शूट करेंगे ना। कोशिश रहेगी कि हम मंदिर भी जाएँ और दर्शन करके आए वहाँ पे। रात के बज रहे हैं 11, और नीचे सब खाना वाना हो चुका है, नीचे हम व्लॉग शूट नहीं कर पाए क्योंकि मैं सो गया था, ये लोग चले गए और है ना, तो दीदी लोग आई थी तो खाना ना खा के चली गई, फिर मैं लेट पहुंचा तो वो लोग सब जा चुके थे, तो मैं गया खा के फिर चला आया खिचड़ी। और खिचड़ी मेरी फेवरेट है, और मॉर्निंग में यहाँ सुबह बनेगी। और इधर लेटे हैं मेरे बगल में कबीर, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये कैंटना है, ये देखिए दोस्तों ये लेटे और ये देखिए सामने है कौन। तो फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो गया है,
आज नीचे ही रात का डिनर था हम सबका, और ठंडी बहुत है, और दीदी लोग भी आई थी, सब खा पी के चली गई हैं। और कल है नॉम नॉम का 5th बर्थडे, और कल है मकर संक्रांति। yes. तो सुबह हम लोग खाएंगे खिचड़ी और शाम को सेलिब्रेट करेंगे नॉम नॉम का बर्थडे। मगर एक चीज है दोस्तों, गुड़िया बच गई है क्योंकि 2 दिन के बाद कबीर का स्कूल खुलेगा, कबीर की तो 2 दिन अभी रेस्ट रहेगा इनका। कबीर की छुट्टियां बढ़ गई हैं और खुलेगा 17 को स्कूल अब, मगर खुल जाना चाहिए क्योंकि बहुत छुट्टियां हो गई हैं। वरना ये समझिए अगर इसका 23 को स्कूल बंद हुआ था दिसंबर में, अब खुलेगा 17 को, सोचिए 1 महीने की फीस हम लोग फ्री में ही ऐसे दे दी है। तो अब स्कूल खुल जाना चाहिए क्योंकि लॉस भी पढ़ाई का बहुत हो रहा है, तो ठंडी भी बहुत है, मगर बच्चों को पहना उढ़ा के भेज देंगे। और टाइमिंग भी स्कूल वालों ने बढ़ा दी है, 10 से 3 है, तो और थोड़े दिन की ठंडी है बची है, बस 15 दिन और फरवरी से मौसम बढ़िया हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जनवरी का मिड निकल चुका, मतलब आधा निकल चुका है। हाँ, और ठंडा है तो अब हम लोग भी लेटेंगे, तबीयत सो गए हैं, ये देखिए जग रहे हैं। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। हाँ, इन्होंने गुड नाइट बोल दिया। मिलते हम लोग आपसे, मिलते हैं हम लोग कल एक नई सुबह के साथ, और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और मिलते हैं फिर कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तो आज के लिए गुड नाइट, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड नाइट।